जिसको एन से व्यक्त करते हैं। परिभाषा पूछे तो आपको लिखना है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी अनंत तक हो सकती हैं। संख्या रेखा पर अगर आपको निरूपित करना आए तो आप ऐसे लिख देंगे, एक लाइन बनाएंगे उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या आपको निरूपित करनी है वो लिख सकते हैं। दूसरी संख्या आपको सीखनी है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या इसको W से व्यक्त करते हैं, और ये होती है 0, 1, 2, 3 इस तरह से कितनी भी हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं आपने प्राकृतिक संख्या समझ ली। फिर आते हैं पूर्ण संख्या में, तो सिर्फ एक ही अंक का फर्क है और वो है 0। अगर प्रश्न बनता है क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर होगा 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। बाकी की सभी संख्याएं हैं वो 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हैं वो सभी इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, और इनको भी अगर हमें संख्या रेखाओं के ऊपर निरूपित करना है तो हम इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है परिमेय संख्या। जो आपके कोर्स में भी है तो ये वो संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, जिसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात ये ऐसी संख्या होती है जो पी बटा क्यू रूप में होती है। और क्यू का मान कभी भी बराबर नहीं 0, अर्थात 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे 1/2, 5/2, 3/5, 7/10 इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कि तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या, यदि किसी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें, अंश और हर में गुणा कर दें, तो उसकी तुल्य संख्या होती है। जैसे 1/2 की तुल्य संख्या 1/2 को अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये आ रही है 2/4। इसी तरह 3/5 की अगर कोई तुल्य संख्या लिखना दे दे तो कोई भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जरूरी नहीं है 2 से ही करें। जैसे यहाँ में 3/5 को 6 से गुणा कर रहा हूँ, अंश में भी 6 और हर में भी 6, तो संख्या प्राप्त होगी 18/20। तो इस तरह से ये संख्याएं, जैसे 2/4 है 1/2 की तुल्य संख्या है, 18/30 है वो 3/5 की तुल्य संख्या है। तो इस तरह से कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर तुल्य संख्या दी हुई है तो हम उसको किसी भी पाड़े से जिसमें वो संख्याएं आती हैं उससे काट कर एक छोटा रूप दे देते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो उसकी तुल्य भिन्न संख्याएं होती हैं। हमें क्या करना है कि हमारे कोर्स में जो है वो है परिमेय संख्या, उनके बीच की संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या
ये सब हमारे कोर्स में है। तो पहले हम पूर्ण संख्याओं की जानकारी हमें प्राप्त हो गई है कि वे संख्याएं होती हैं जो पी बटा क्यू रूप में लिखी जाती हैं, जिनमें क्यू का मान है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे जीरो है तो जीरो भी के बटे में एक लगा सकते हैं, तो जीरो बटा एक भिन्न के रूप में हो गया तो वो एक परिमेय संख्या है। ऐसे दो है तो दो बटा एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि परिमेय संख्याओं के मध्य संख्याएं ज्ञात करना। इस तरह के सवाल 8th क्लास में पूछे जाते थे कि दो और तीन के मध्य कोई दो परिमेय संख्या लिखो या चार परिमेय संख्या लिखो, इस तरह के सवाल। जैसे तो उसका सूत्र होता है कि मध्य संख्या बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे दो, एक बटा दो संख्याओं का योग। ये और दो परिमेय संख्याओं के मध्य अगर हमें पूछे कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो वो बहुत सारी यानी अनंत हो सकती है। तो उसका जवाब होता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत संख्या हो सकती है। जैसे अपना प्रश्न बनता है कि तीन व चार के मध्य कोई दो संख्या दो संख्याएं लिखिए। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए, वैसे ये सवाल आपको कक्षा 8 में भी सिखाए गए हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या सूत्र बताया कि तीन व चार के मध्य कोई दो संख्या लिखनी है तो सूत्र था कि संख्याओं का योग बटा दो, अर्थात पहली मध्य संख्या बराबर तीन प्लस चार, ये दो संख्या है और इनके बटे में दो लिखना है। तो पहली मध्य संख्या प्राप्त हो गई, तीन चार जोड़ेंगे तो सात आ जाएगा और बटे दो। अब हमारे पास में दो संख्या तो हमें दी हुई थी तीन और चार, एक हमने और ज्ञात कर ली वो है सात बटा दो। फिर दूसरी मध्य संख्या इसको हम करेंगे एक बटा दो। अब यहाँ से या तो तीन के साथ करेंगे या चार के साथ, तो यहाँ से तीन के साथ करने के लिए होता है तीन प्लस सात बटे दो। अब तीन और सात बटा दो को आपको जोड़ना है तो इसके नीचे एक लगा दीजिए और इसका लघुत्तम दो दे दीजिए। फिर भाग देंगे, दो बार जा रहा है, तीन से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा तीन गुणा दो यानी छह। इसका भाग देंगे यानी दो का भाग दो में देंगे, एक बार जाएगा, दो के ऊपर सात है, एक को सात से गुणा करेंगे तो सात एकम सात। इस तरह से ये जो भिन्न वाला जोड़ या योग है इसको आप लघुत्तम लेते हुए हल करोगे तो हमें प्राप्त हुआ एक बटा दो इंटू 13 बटा दो, अर्थात गुणा करने पर 13 एकम 13, दो दुनी 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दो संख्या आ गई, पहली जो संख्या आई 7 बटा दो आई, दूसरी आ गई 13 बटा 4। अब इन चीजों को हम संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में दो संख्या थी, पहली थी तीन और दूसरी थी चार, उसके बीच में हमने दो संख्या ज्ञात की तो पहली जो संख्या इनके बीच में आई वो थी सात बटे दो, तो इनके बीच में यहाँ पर हमने जो संख्या ज्ञात की है वो है सात बटे दो।
अगली संख्या हमने जो ज्ञात की है वो इसके बीच की ज्ञात की है, जिसका आंसर है 13/4, अर्थात इन दोनों को जोड़ के 1/2 किया है। तो ये जो बीच की संख्या आई ये आपकी आ गई 13/4। इस तरह से ये दो मान प्राप्त हो गए। वैसे मैंने आपको बताया कि 3 और 4 के मध्य अगर कोई पूछे कि कितनी संख्याएं इनके बीच में मध्य संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं, तो आपका आंसर होगा कि अनंत हो सकती हैं। अब आगे चाहे तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो इनके बीच में संख्या और आ जाएगी। इसी तरह इनको जोड़ के भाग देंगे इसके बीच में आ जाएगी, उसको जोड़ के भाग देंगे बीच में आ जाएगी। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे पास में इस तरह का कोई भी सवाल आए, कोई भी संख्या है, चाहे वो अभी आप देख रहे हैं 2 प्राकृत संख्या है, चाहे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1/2 वह 1/3 के मध्य कोई 3 परिमेय संख्या लिखो। ये अपना प्रश्न है जो कि कक्षा 8 में आप सारे बच्चों ने किए हैं। थोड़ा सा ध्यान दें कि सबसे पहले हमें इनका योग करना है और साथ में लगाना है 1/2। तो हम पहली संख्या ज्ञात करेंगे, प्रथम संख्या यानी इनके बीच की जो संख्या है उसमें सूत्र लगाएंगे 1/2 और दोनों संख्याओं का योग। कुछ बच्चों ने 8वीं क्लास में जो पढ़ा था वो सूत्र ये था a+b/2। इसका अर्थ यही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का योग। यहाँ पर आपको समझाया गया था कि हमारे पास में एक संख्या a है और एक b है, और a और b की जगह जैसे ये 3 a है तो 4 b है। तो ये जो हिंदी में लिखा हुआ है और ये जो हमने ABCD में लिखा है ये दोनों सूत्र एक ही हैं। तो अब सवाल बनता है कि इनके बीच की संख्या चाहिए, तो आप इनको जोड़ोगे। 1/2 सूत्र का पहली संख्या का मान है 1/2 और दूसरी है 1/3। ध्यान ये देना है कि हमेशा जब भी भिन्न के रूप में कोई संख्या हो तो अवश्य ही पहले लघुत्तम देंगे और बाद में उसका जोड़ करेंगे। सीधा सीधा ऐसे नहीं जोड़ेंगे 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले इसका लघुत्तम 1/2 और यहाँ पर लघुत्तम हमने ले लिया 6। अब जिन बच्चों को ये भिन्न के जोड़ बाकी नहीं आते वो गौर करें, बहुत सरल होते हैं कि 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया। अब सबसे पहले हर कोण है 2 है, तो 2 की टेबल बोलो, 2 का पाड़ा बोलो, 6 के ऊपर आकर रुक जाओ तो सब जानते हैं कि ये 3 बार जाता है, और ऊपर संख्या 1 है तो 3 × 3 यानी ये मान आ जाएगा 3। अब बात करते हैं दूसरे हर की। दूसरा हर है 6, 3 भाग दे रहे हैं 6 में, तो 3 की जो पाड़ा है वो बोलेंगे तो कितनी बार, 2 बार, 3 × 3 = 6, और उसको 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना पड़ता है। याद रखो ऊपर वाली संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो 3 का पाड़ा 6 लाने के लिए 2 बार बोला तो 2 × 1 = 2। इस तरह से हमारे पास में मान प्राप्त हो गया। अब ये चिन्ह देख रहे हो आप, इन दोनों को जोड़ता है तो ये आ गया 5/6, और इसका आंसर हो गया 5/6। यहाँ गुणा करना है 5 × 5 = 5, 6 × 12। तो ये हमारी 1/2 और 1/3 जो कि परिमेय संख्या है उनके मध्य हमने एक संख्या ज्ञात की है। अब हमारे पास में संख्या 3 हो गई, 2 तो हमें प्रश्न में, 1 हमने ज्ञात कर ली 5/12। अब हम इनमें से कोई 2 संख्या लेंगे,
तो दूसरी मध्य संख्या एक बटा दो। अब हम यहां से एक बटा दो के साथ पांच बटा बारह ले रहे हैं, तो यहां लिख देंगे एक बटा दो प्लस पांच बटे बारह। फिर वही तरीका, फिर भिन्न के रूप में आ गया, लघुत्तम लेना है, लघुत्तम हर का लिया जाता है। हर पर गौर करो, बड़ी संख्या कौन है? बारह, जो दो के पहाड़े में आती है, इसका मतलब इसका लघुत्तम बारह ही आ जाएगा। फिर वही तरीका, दो का भाग बारह में देना है, जितनी बार जाता है उसको एक से गुणा करना है। तो पहले भाग दीजिए, छह बार जाएगा, एक से गुणा कीजिए, छह एकम छह, और यहां लिख दीजिए छह। फिर दूसरा है बारह है, लघुत्तम भी बारह है, फिर भाग देते हैं। एक सी संख्याओं का भाग हमेशा एक बार आ जाता है, क्योंकि बारह एकम बारह एक, एक को पांच से गुणा करने पर आ गया पांच। इस तरह से प्लस का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, तो हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्यारह बटे बारह। अब जैसे ही कोष्टक हटाते हैं तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी चिन्ह नहीं होता, उसका अर्थ होता है गुणा। तो हमने इस कोष्टक को हटा दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ऊपर का तो ऊपर गुणा करना है और नीचे का नीचे गुणा करना है, तो आंसर आ रहा है आपका ग्यारह एकम ग्यारह और बारह दुनी चौबीस, यानी अगली जो संख्या, दूसरी जो संख्या प्राप्त हुई है वो है आपकी ग्यारह बटा चौबीस। आप देख रहे हैं पहली संख्या ये प्राप्त हुई, दूसरी संख्या ये प्राप्त हुई, और प्रश्न क्या चाहता है कि तीन ज्ञात करो, इसका मतलब हमें एक और ज्ञात करनी है। तो इनमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए, तीसरी मध्य संख्या जो आएगी, सूत्र वही रहना है, सूत्र आपको बार बार बताया जा रहा है, एक बटा दो संख्याओं का योग। अब यहां से आपको कोई दो संख्या लेनी है, जो आपने बोर्ड के ऊपर जो देख रहे हो उनमें से कोई दो ले लो, कोई जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूं वो यहां पर। जैसे अभी आपसे ले रहे हैं एक बटा दो, और अब इसको ले रहा हूं क्योंकि नई संख्या आ गई अपने पास ग्यारह बटा चौबीस, तो आप लिखोगे एक बटा दो, और ये संख्या एक बटा दो प्लस ग्यारह बटे चौबीस। फिर लघुत्तम लेते हुए दो और चौबीस का लघुत्तम आएगा चौबीस, फिर भाग देंगे तो बारह बार बारह को एक से गुणा करेंगे, बारह एकम बारह प्लस, फिर चौबीस का भाग देंगे चौबीस में, एक बार जाएगा, एक को किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही आती है, तो ग्यारह से गुणा करेंगे तो ग्यारह एकम ग्यारह। फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये आ गया एक बटा दो, ग्यारह और बारह को जोड़ने पर आता है तेईस। ध्यान दें, एक और दो तीन, एक एक दो, इस तरह से आपने इसको लिख दिया, और इसका आंसर आ गया तेईस बटा चौबीस का दो से गुणा कर दो, दो चौका आठ, दो दूनी चार, अर्थात अड़चास। तो इस तरह से हम ये संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि परिमेय संख्या क्या है, कौन कौन सी होती हैं, उनके मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। अभी इसी चीज को हम देखेंगे कि हमारे पास में संख्या रेखा के ऊपर भी निरूपित करेंगे कि ये एक संख्या है। पहली संख्या थी एक बटा दो और एक बटा तीन, क्योंकि हमें इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी कितनी ज्ञात करनी है, तीन। तो हमने सबसे पहले इनके बीच की संख्या ज्ञात की, तो ये मान आ गया आपका पांच बटे बारह। तो ये संख्या रेखा है पर निरूपित करना है। ये तो फिर हमने देख यहां गौर करेंगे
ये संख्या 11 बटा 24 कहाँ लिखे तो सीधा दिखाई दे रहा है कि जहां पर 1 बटा 2 और 5 बटा 12 लिखा हुआ है उसके बीच की है ये संख्या। तो कहने का अर्थ इसके बीच में यहां पर आ जाएगी 11 बटे 24। अब 23 बटा 50 कहां पर लिखे उसका भी यही तरीका है कि जहां 1 बटा 2 और 11 बटा 24 लिखा हुआ उसके बीच का है, यानी ये जो संख्या है ये इन दोनों के बीच की है, इधर है, तो यहां पर लिखेंगे 23 बटा 50। इस तरह से आप यदि सूत्र लगाकर ये जोड़ और गुणा करना सीख जाते हो तो संख्या रेखा पर लिखना बहुत ही आसान है। अब जब संख्या रेखा की बात आती है तो इसमें एक प्लस माइनस का और जिक्र होता है, तो प्लस माइनस पर भी ध्यान देंगे। वे संख्याएं जो प्लस माइनस में होती हैं उन संख्याओं का नाम होता है पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्लस व माइनस दोनों में होती हैं और उसको हम आई से व्यक्त करते हैं इंटेजर। तो इसका यहाँ से लिखते हैं कि अनंत से आती हैं, पहले माइनस की आती हैं, जैसे 5 आ गया, फिर 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, फिर आता है 0, फिर 1, फिर 2, 3, इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती हैं, यानी अनंत से आती हैं माइनस की ओर से और अनंत प्लस की ओर चली जाती हैं। वे सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं और यदि ये पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में हैं तो दोनों में हो सकती हैं प्लस और माइनस। अब संख्या रेखा के ऊपर इन संख्याओं को निरूपित करने का तरीका ये होता है कि इनके बीचों बीच जीरो होता है। जीरो क्या है कि जीरो जो पूर्णांक ऋण पूर्णांक है यानी जो माइनस की संख्या है उससे तो बड़ा होता है और जो धन पूर्णांक है प्लस की संख्या है उससे छोटा होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि बाई ओर जो संख्याएं होंगी वो माइनस है, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से इधर बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरह इस साइड की जो संख्याएं यानी दाई ओर की जो संख्याएं हैं वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती हैं। इस तरह से इनको हम बहुत यानी अनंत तक लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब संख्या रेखा पर इनको निरूपित करते हैं तब हमें बीच में जीरो लगाना है, दाई ओर प्लस लिखनी है संख्या, बाई ओर माइनस की संख्याएं आपको लिखनी है। जैसे ये संख्या होती प्लस माइनस की होती तो हमें माइनस में अगर आंसर आता, जैसे हमें 2 और 3 के बीच में लिखना होता तो माइनस अगर होता तो इसके बीच में नहीं लिखते उस संख्या को, यहाँ लिखते -3 और -2 इसके बदले में आती। तो इस तरह से आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है। अब ये तो थी हमारे इस प्रश्नावली की भूमिका, अब हम चलते हैं इसकी प्रश्नावली 1.1 पर, जो बहुत ही सरल है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो संख्याएं मैंने आपको बताई हैं उन पर आधारित है, आपको हाँ ना में उनका जवाब देना है। जैसे एक सवाल तो मैंने यहाँ कर भी दिया, एक सवाल तो इसमें यह है 3 व 4 के मध्य 6 पर मैं संख्या लिखूँ, मैंने यहाँ 3 ज्ञात की है, आपको वहाँ पर 6 लिखनी है। तो पहला सवाल है इसका आपका एक्सरसाइज 1.1 का, और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ये कक्षा 8 से जुड़ी हुई है, यदि पिछली कक्षा में यदि आपने परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी सीखा है तो इस प्रश्नावली में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है,
क्या इसको पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं? तो अभी अभी इस क्लास में शुरुआत में मैंने जो आपको पढ़ाया है उन बातों पर आ जाओ, आपको आंसर इसका मिल गया कि प्रमेय संख्या भी होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे ये जीरो है, अब कोई भी संख्या गिनती की संख्या है, प्राकृत संख्या है, उसके बटे में यदि हम एक लगा देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो प्रमेय के रूप में बदल जाती है। तो आप लिखोगे कि जीरो बटा एक। अब आप यहां देख रहे हो ये भिन्न के रूप में है, और भिन्न का मतलब ये पी बटा क्यू रूप में है, पी की जगह जीरो आ गया, क्यू का मान हमने एक लिख दिया। तो ये एक प्राकृत संख्या है और सभी प्राकृत संख्याएं प्रमेय संख्या होती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे समझने के बाद में, समय लिखेंगे आंसर सामने लिखा हुआ है कि शून्य एक प्रमेय संख्या है कि नहीं, तो आप लिखेंगे हाँ ये एक प्रमेय संख्या है, और इसको पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं, पी का मान जीरो है और क्यू का मान एक है। तो ये आपका इतना आसान पहला सवाल था। सवाल नंबर दो है, तीन व चार के बीच छह प्रमेय संख्या लिखो। आपकी किताब का जो सवाल नंबर दो है वो है तीन व चार के बीच छह प्रमेय संख्या लिखो। अब जिन बच्चों ने ये चीज सीख ली उनके लिए बहुत आसान है, करना क्या है, सूत्र लगाना है। कि सूत्र क्या लगाना है, आपको मैंने बताया कि बीच की जो मध्य संख्या है उसका जो सूत्र है वो है एक बटा दो संख्याओं का योग, जो आपको संख्या दी हुई है उनका योग, ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया। अब आप गौर करेंगे कि हम पहली संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो पहली संख्या के लिए आप लिखोगे एक बटा दो और संख्या है तीन और चार, यानी तीन प्लस चार, तो आपके पास आंसर आया तीन और चार को जोड़ने पर सात हो गए, सात एकम सात बटे दो, आपने पहली संख्या ज्ञात कर दी। दूसरी दूसरी जो संख्या है इनके बीच की वो यहां से उठा लें, जैसे तीन व सात बटा दो के मध्य संख्या, अब आपको वही सूत्र लगाते हुए आगे बढ़ना है, एक बटा दो संख्याओं का योग। अब संख्या में पांच में ये हो गई, पहली क्या है तीन है, दूसरी क्या है सात बटा दो है। अब इनके जोड़ने का जोड़ जिन बच्चों को आता है उनको कहीं दिक्कत ही नहीं आती है कि वो लघुत्तम ले लेंगे यहाँ एक लगाते हुए, क्योंकि मैंने बताया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं प्रमेय संख्या होती हैं, उसको रूप में दर्शाने के लिए बटे में क्या लिखाना है एक। तो आप तीन एक प्राकृतिक संख्या बटे में एक लिखते हैं, ये क्या बन गई प्रमेय संख्या। तो इनका लघुत्तम क्या आ गया एक और दो का दो, फिर वही तरीका एक का भाग दो में दीजिए, फिर उसको इसके ऊपर जो संख्या है इसमें उससे गुणा कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दो बार गया और तीन से गुणा करने पर आ गया तीन दूनी छः, फिर दो का भाग दो में दिया एक बार, फिर सात से गुणा किया सात एकम सात, तो इस तरह से ये संख्या प्राप्त हुई एक बटा दो इंटू तेरह बटा दो, यानी तेरह बटा चार। अब तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे, अब चाहे तो इसको एक बटा दो के साथ ही लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे तीन व तेरह बटा चार के मध्य संख्या, फिर वही आंसर हो गया एक बटा दो। अब इन दोनों संख्याओं का आपको जोड़ करना है,
तो 3 + 13/4 तीन अकेली संख्या है, अन्य एक लगा दीजिए ताकि आपको लघुत्तम लेने में आसानी हो जाए। तो आप देख रहे हैं हमें 1 और 4 है तो लघुत्तम आ गया 4। अब 1 का भाग देंगे, 4 बार जाता है, 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 12। फिर 4 का भाग देंगे एक बार, 13 से गुणा करने पर 13 एकम 13। फिर इनका जोड़ करेंगे तो 13 और 12 जोड़ने पर 25 होते हैं और नीचे 2 है, ये 4 है। तो ये कोष्टक इस बात का प्रतीक है कि इसको गुणा करना आपको, तो ये हो जाएगा 4 × 8। इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने तीसरी संख्या भी ज्ञात कर ली है। अब ज्ञात कर रहे हैं इसके चौथी संख्या, यानी 6 ज्ञात करनी है। चौथी संख्या यहां पर लेते हैं 3 × 25/8 के मध्य संख्या। सूत्र वही है कि दोनों संख्याओं का जोड़ करना है। यहां पर 3 में आपको 25/8 जोड़ना है, यानी 3 + 25/8 का योग करना है। तरीका फिर वही, लघुत्तम लीजिए, इनका लघुत्तम आएगा 8 क्योंकि इसके बच्चे में हम लगा सकते हैं 1। फिर भाग देते हैं 1 का 8 में, 8 बार गया, 8 को 3 से गुणा करके यहाँ संख्या लिखेंगे, 8 का पाड़ा बोलो 3 बार, संख्या आएगी 24। और ये आ गया भाग 1 बार, 1 को संख्या से गुणा करने पर ये 25 एकम 25। फिर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 49 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 16। तो इस तरह से चौथी संख्या आ गई। पांचवी संख्या में फिर हम चाहे तो ये संख्या ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये संख्या आई हुई है 13/4, 25/8, 7/2, यानी इनमें से कोई भी 2 संख्या हम लेकर उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या ले रहा हूँ मैं 7/2 और 13/4। तो आप देखोगे 7/2 व 13/4 के मध्य संख्या। सूत्र वही है, 1/2, इन दोनों संख्याओं का योग करना है, जोड़ना है इन दोनों। तो आप देखोगे जोड़ के रूप में 7/2 + 13/4, ये 1/2 यहाँ लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम हल्का होता है, हमें 2 और 4 है, 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4। भाग देंगे 2 बार जा रहा है, 7 से गुणा करेंगे 14। फिर यहाँ भाग देंगे 1 बार जा रहा है, 4 एकम 4, 13 से गुणा करेंगे 13। 1/2 जोड़ करें तो ये आ गया आपका जोड़ 27/4, 4 × 7 = 1, 1 = 2। तो इस तरह से आंसर आता है 27/4 × 8। ये आपकी पांचवी संख्या। अब हमें 6 पूछी हैं, तो छठी जो संख्या है, यहाँ से कोई 2 संख्या जो आपने ज्ञात की वहाँ से उठा लीजिए। जैसे मैं आपको उठा रहा हूँ 49/16 व 27/8 के मध्य परिमेय संख्या। तो आंसर देने के लिए वही सूत्र, 1/2, इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। दोनों संख्या बटे में है, 49/16 + 27/8। फिर हमें ध्यान देना है 16 और 8 दिया हुआ है तो लघुत्तम आ जाएगा 16। तो आप यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 16।
करने का वही तरीका, 16 का भाग 16 में एक बार जाता है, गुणा किया 49 आ गया। प्लस अब 8 का भाग दिया 16 में दो बार, 2 को 27 से गुणा कर दो। अगर पढ़ा नहीं आता है तो ऐसे आप इसको गुणा कीजिए, 7 × 2 = 14, 1 × 2 = 4, 1 = 5 अर्थात। और जिन बच्चों को सीधा आता है वो लिख देंगे 27 × 2 = 54। अब इनका जोड़ करना, आपको जोड़ करने का तरीका देखिए। यहीं पर पहली पहली संख्या 4 और 9 है, इसकी जो इकाई का अंक 9 है, इसका इकाई का अंक 4 है, जोड़ेंगे तो 9 और 4 = 13, एक असल हो गई। वो असल इसको दे दी तो ये होया 6 और उसमें 4 जोड़ दिया 10/16। तो आपके पास में आंसर आया 103/16। अब लास्ट में 1/2 से इसका गुणा कर देंगे तो ये बन गया 103। 16 का 2 से गुणा करने पर बनता है 16 × 32। इस तरह से हमने 3 और 4 के मध्य 6 प्रमेय संख्या ज्ञात की हैं। पहली थी 7/2, 13/4, 25/8, 49/16, 27/8 और 103/32। अब ये मैंने बताया कि दो संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं हो सकती हैं, तो विद्यार्थियों का अगर वो अलग अलग संख्या लेते हैं तो आंसर अलग अलग भी आएगा, उनको इस बात भ्रम में नहीं पड़ता है कि मेरा आंसर अलग आ गया, संख्या अलग आ गया। कोई भी संख्या लेके बीच में ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से अब आगे है जो आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को होमवर्क के रूप में ये करना है। क्वेश्चन है 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखनी, 5 परिमेय संख्या लिखो। ये आपका जो क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली का तीसरा है और ये HW के रूप में है। करने का तरीका वही होगा, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि चाहे दो संख्या चाहे भिन्न में हो और चाहे सीधी हो, उनको जोड़ो और 1/2 से गुणा कर दो। जैसे अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7/5 और 7/5 को 1/2 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 7/10, यानी उसके बीच की संख्या भी। फिर वो दो संख्या ले लो इस तरह से जैसे हमने पीछे ज्ञात की है, और कितनी बार करना है, 5 बार, 5 बार इन संख्याओं को जोड़ना है, 1/2 से गुणा करते रहना है और आपको ये HW के रूप में सवाल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका सत्य है सत्य का है। अब ये जब ऐसे प्रश्न आते हैं सत्य है सत्य के, तो वो इस बात पर आते हैं कि आपको जो संख्या मैंने पढ़ाई है, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उनके बारे में आपने क्या सीखा वो आपको बताना है। जैसे पहला इसका सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जिन बच्चों को ये ज्ञान है कि ये प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4 जितने भी जो मान है ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। जब क्लास शुरू की तो हमने सबसे पहले बताया आपको कि प्राकृतिक संख्या को n से व्यक्त करते हैं जो ये होता है, पूर्ण संख्या को w से व्यक्त करते हैं जिसमें क्या होता है, ये होता है। यानी क्या फर्क है कि इसमें 0 से शुरू होती है, वो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपको देखना है कि ये प्राकृत संख्या है क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर स्थित है, तो आपको दिखाई देगा है। तो आप लिखोगे आंसर, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये
पूछा गया है। दूसरा जो सवाल है वो पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं, और उसको भिन्न के रूप में अगर हम लिख दें तो भिन्न की जो संख्या है वो पूर्ण अंक में नहीं होती है, पूर्ण अंक में वही संख्या होती है जिनका पूरा पूरा मान है, जैसे प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये सब क्या है कि ये पूरे पूरे मान के अंदर होती हैं। पूर्णांक जो नंबर आपको मैंने बताया था आई बराबर इस तरह से लिखा था कि पहले माइनस की आती है इधर, फिर जीरो आता है, फिर आती है प्लस की, एक दो तीन चार जितनी भी आप लिखना चाहो उतनी लिख सकते हो, इस तरह से आपको ये आंसर इन बातों से देना है। तीसरा जो भाग है वो कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि माइनस में भी पूर्ण संख्या होती है, माइनस में भी क्या होती है पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आज अपनी क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा और प्रश्नावली 1.1 सभी बच्चों को अपने होमवर्क के रूप में एक आपको अपनी कॉपी डालनी है मैथ की और उसके अंदर ये काम करना है, बहुत छोटा सा काम है, इस वीडियो को देखते हुए सीखते हुए इसको पूरा करना है।